मंगलमय संत समाज सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, यह जो जीवन हमें मिला है कहते हैं कि बहुत सौभाग्य से मिला है। 84 लाख खानियों में भटकने के पश्चात जीव मनुष्य शरीर में आता है, अनेक जन्मों के संस्कार, शुभ संस्कार, पुण्य उदित होते हैं, तब जीव मनुष्य शरीर में आता है। बड़े सौभाग्य से मानव शरीर की प्राप्ति होती है। हम लोगों को वह मनुष्य शरीर आज मिला हुआ है। सोचना हमें यह है कि शरीर को, इस जीवन को सुखी होकर के जीना है या दुखी होकर जीना है। सब लोग ध्यान दें, यहां जितने लोग बैठे हैं वे सब सोचें कि ये जो जीवन मिला है इसे सुखी होकर के जीना है या दुखी होकर के जीना है। कोई मनुष्य यह नहीं कहेगा कि मैं दुखी होकर जीवन जीना चाहता हूं। हर किसी का यही उत्तर होगा कि मैं सुखपूर्वक, सुखी होकर जीवन जीना चाहता हूं। सुखी होना और दुखी होना आपके हाथ में है और आप न चाहें तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता और आप न चाहें तो कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। सुख और दुख बाहर से नहीं होते, भीतर से होते हैं। जैसी हमारी समझ होती है, जैसा हमारा मन होता है, वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। बाहर कितनी भी अनुकूलता क्यों ना मिल जाए, बहुत धन, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा परिवार, बड़ा पद, बड़ी विद्वता, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा नाम, शासन अधिकार, बहुत सारे सेवक, ये सब मिल जाएं, लेकिन आपका मन ठीक नहीं होगा तो इन सबके मिलने के बाद भी आप दुखी रहेंगे। और कुछ भी आपके पास नहीं है, शरीर पर जो कपड़ा पहने हैं मात्र वही कपड़ा आपके पास है, एक पेड़ के नीचे एक चटाई या एक फटा कंबल बिछाकर बैठे हैं या लेटे हैं, रुपये पैसे कुछ नहीं है, फूटी कौड़ी भी पास में नहीं है, परिवार के नाम पर केवल अपना तन है बस, कोई नहीं है परिवार में आगे पीछे, कोई जानता भी नहीं है, कोई नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आप सुखी हो सकते हैं। बहुत लोग आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, आप
की कीर्ति बखान कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी आरती कर रहे हैं, आपकी बड़ी महिमा और बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, वहां भी आप दुखी हो सकते हैं। और भरी सभा में कोई आपका अपमान करता है, आपको गंदी गंदी गालियां देता है, खूब निंदा और बुराई आपको आपकी करता है, ऐसी स्थिति में भी आप सुखी हो सकते हैं। जितना अपने आप को बाहर संसार से जोड़ते जाएंगे उतना आप दुखी होते जाएंगे, और जितना अपने आप को संसार से अलग करते जाएंगे, किसी प्राणी से, किसी पद से, किसी प्रतिष्ठा से आप नहीं जोड़ेंगे, सबको अपने सबसे अपने आप को छुड़ा लेंगे, उतना आप सुखी होते चले जाएंगे। समझ तो यह है आदमी की कि बहुत से लोग मिल जाए, बड़े पद, बड़ा परिवार, बड़े अनुगामी, बहुत से साधु है तो बहुत से चेले मिल जाए, बहुत बड़ा मकान बन जाए या बहुत बड़ा मठ बन जाए, बड़े रुपये पैसे हो जाएं, बड़ी गाड़ी हो जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे। और जब ये सब समाप्त हो जाए, ये सब नहीं रह जाए, तो हम दुखी होंगे। ये समझ है, और इसीलिए इसी समझ के कारण हर आदमी दुखी है। जो वस्तुएं आपके पास है उनका उपयोग करो। मकान है, ठीक है, मकान में आप रहते हैं। धन है तो आप धन से खाएं, खिलाएं, धन का उपयोग करें। परिवार के लोग हैं तो जो बन सके उनकी सेवा करें और उनसे प्रेम का व्यवहार करें। यह मत सोचें, या आप यदि ये सोचेंगे कि दूसरे लोग मेरे प्रति क्या करते हैं, दूसरे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मेरी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, मुझे इज्जत देते हैं या नहीं देते हैं, जितना आप ऐसा सोचेंगे उतना दुखी रहेंगे। यह बिल्कुल मत सोचिए कि आपके बेटे, आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपके छोटे भाई आपकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, यह सोचो और करो। आपके हाथ में आपका कर्तव्य, आपके हाथ में आपकी सेवा, जो आप कर सकते हो वह करो। दूसरा को क्या करना चाहिए यह मत सोचो। फिर आप सुखी रहोगे। ठीक है, आदमी आशा करता है, बच्चों का पालन पोषण लोग इसीलिए करते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, शरीर की शक्ति घट जाएगी, शरीर में रोग लग जाएगा, अशक्त हो जाएंगे, तब हमारे बाल बच्चे सेवा करेंगे। अच्छा है, आपके मन में भावना है, लेकिन बाल बच्चे सेवा करेंगे या नहीं करेंगे क्या, कौन सी गारंटी है? देखते नहीं है दुनिया में कैसे कैसे होता है? एक माता पिता चार छह बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन चार छह बच्चों के रहते हुए माता पिता दर दर के भीख मांगते हैं। आपके गांव में भी होता होगा, शादी होती गई, बच्चे बांट बांट कर अलग करते गए, सब बच्चे शादी हो गए, माता पिता रह गए दो के दो अकेले के अकेले, करोगे क्या? किस पर अधिकार आपका है? अब ये सोचोगे कि इन बच्चों को मैंने पाला पोसा, मैंने लिखाया पढ़ाया, मैंने जवान बनाया, मैंने इनकी शादी विवाह किया, अब ये कमाने लायक हो गए, जवान हो गए, मैं बूढ़े हो गया, तब ये मेरी सेवा नहीं करते? जितना सोचोगे उतना आपका मन दुखी होगा। आप ये सोचो, मेरा जो कर्तव्य था, मेरे द्वारा ये बच्चे पैदा हुए तो मेरा कर्तव्य था इनकी सेवा करना, इनका पालना पोतना, लिखाना पढ़ाना,
योग्य बनाना, शादी विवाह करना, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया। अब अपना कर्तव्य ये जाने, जैसा ये करेंगे उन्हें ऐसा मिलेगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। बच्चे आपकी सेवा करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपकी आज्ञा में चलते हैं, उन्हें धन्यवाद दो। बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपकी सेवा नहीं करते, आपकी आज्ञा नहीं मानते, तो भी उन्हें धन्यवाद दो, बस तब सुखी रहोगे। और शिकायत करोगे कि बच्चा ऐसा मनमती है, बच्चा ऐसा अवज्ञाकारी है, बच्चा ऐसा ये करता, जितनी शिकायत करेंगे उतना दुख बढ़ता चला जाएगा। हर आदमी के पास अपना मन है और हर आदमी वही करता है जिसे उसका मन अच्छा मानता है। अपना कर्म यदि अच्छा होगा तो हर स्थिति में हमें सुख मिलेगा, और अपना कर्म यदि खराब है तो हर स्थिति में, चाहे जितनी समृद्धि हो जाए, हमें दुख मिलेगा। इसलिए अपने कर्म को ठीक करने को सोचो। कर्म अच्छा रहेगा सुख मिलेगा, कर्म खराब है तो, यदि कर्म खराब है तो चाहे कुछ भी कर लो, कितना भगवान मनाओ भगवती मनाओ, दुख ही मिलेगा। लोग कहते हैं क्या करें साहब, हमारे पास ज्यादा धन नहीं है, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे घर में हमारी सेवा करने वाले कोई नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, हमारी सेवा कौन करेगा, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, अंतिम में हमारे मुख में पानी कौन डालेगा, ये व्यर्थ की बात। आपका कर्म ठीक रहेगा ना, आपका भाग्य जो ठीक है, कोई आपका नहीं रहेगा तो भी आपको सेवा करने वाले और आप मुख में पानी डालने वाले मिल जाएंगे। और यदि आपके कर्म खराब है तो घर में जितने भी लोग रहे, जितने रुपये पैसे आपके पास रहे, कोई पानी डालने वाला नहीं मिलेगा। मुझे याद आता है इस संबंध में राजा दशरथ का उदाहरण, आप सब जानते हैं रामायण की कहानी, बहुत बताने जरूरत नहीं है। मैं कह रहा था राजा दशरथ की बात, कहानी सब जानते हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, राजा दशरथ तो राजा थे ना, और राजा के पास धन की कोई कमी नहीं होती है, राजा के पास कौन कमी धन की, और राजा थे तो उनके पास भवन नहीं किंतु राजभवन था, और राजभवन कितना बड़ा होता है। कभी आप लोगों को दिल्ली या आगरा जाने का अवसर पड़ा होगा, और दिल्ली में आपने लाल किला देखा होगा या आगरे का किला देखा होगा, तो पता चलेगा कि दिल्ली का लाल किला आपके भेंडरा गांव से 10 गुना बड़ा होगा, और राजा उसमें रहते थे, 10 गुना भी क्या, और ज्यादा होगा। तो राजा का राजभवन कितना होगा, तो दशरथ तो राजा थे, राजभवन, धन की कमी नहीं, भवन की कमी नहीं, सेवा करने वाले की कोई कमी नहीं, राजा के पास अनेक सेवा करने वाले, आज्ञा बजाने वाले, बहुत बड़े बलवान, और परिवार कितना बड़ा, बहुत बड़ा परिवार। आप जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 का नाम आप जानते हैं, मैं भी 3 का ही नाम जानता हूं, लेकिन वाल्मीकि रामायण अनुसार राजा दशरथ की 350 पत्नियां थी, 350 पत्नी, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, इतना बड़ा परिवार था। और 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और बेटे कहते थे बहुत योग्य, योग्य से भी योग्य कहना चाहिए, सब गुण संपन्न बेटे थे। जैसा लोग चाहते हैं कि हमारे बेटे में ऐसा ऐसा गुण हो, वे सारे के सारे गुण राम चारों भाइयों में थे। जो आप चाहते हो, धन, परिवार, सातन, स्वामी, राजा, दशरथ, सब थे। लेकिन ये तो बताओ, अंतिम समय में
राजा दशरथ के मुख में पानी किसने डाला, किसी बेटे ने पानी डाला राजा दशरथ के मुख में? राम लक्ष्मण चले गए जंगल और भरत और शत्रुघ्न कहाँ है? मामा के तरफ तरह के मर गए। दशरथ एक बेटा काम नहीं आया, कर्म खराब है तो क्या करेगा। कहते हैं कि भगवान स्वयं राम बन करके दशरथ के यहां पैदा हुआ था, भगवान अपने पिता की सेवा नहीं कर पाया अंतिम समय में, भगवान क्या करेगा, कर्म खराब है। दोस्त भगवान का नहीं है, दोस्त तो दशरथ के कर्म का है। सब सुविधा मिली थी दशरथ को, लेकिन अंत में तड़प तड़प करके मर गए दशरथ। न राज काम आया, न धन काम आया, न बल काम आया, न बेटे काम आया, कोई काम नहीं आया। इसलिए किसी की चिंता मत करो, चिंता करनी एक बात की चिंता करो कि हमारे कर्म सही होने चाहिए। कर्म सही होंगे तो आज हम सुखी रहेंगे और हमारा आगामा जन्म भी सुखी होगा। मैं तो ये कह रहा था कि सुख से जीना है या दुख से जीना है, हर आदमी सुख से ही जीना चाहता है, कोई दुख से जीना नहीं चाहता। फिर भी हर आदमी दुख का ही भोग करता है, सुख तो थोड़ा है, सुख नाम मात्र है। सुख है तिल बराबर और दुख है पर्वत बराबर। क्यों, ये दुख कहां से आता है और दुख है क्या? दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से आता है। दुख क्या है? अपने मन के अनुसार न होना, ये दुख है। हर आदमी अनुकूलता अनुकूलता ही चाहता है और सब कुछ अनुकूलता हो नहीं सकती है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में ही जितने लोग रहते हैं वे सब आपके मन के अनुसार नहीं चल सकते। देखो अभी प्रकृति में आंधी तूफान आए, पानी बरसा, अब यहां वालों के लिए अनुकूल तो नहीं हुआ क्योंकि कार्यक्रम में विघ्न हो गया, लेकिन हम चाहें या ना चाहें प्रकृति की घटना को रोक नहीं सकते। हम चाहते हैं अनुकूलता और अनुकूलता चाहते हुए भी मिलती है प्रतिकूलता। चाहते हैं कि हमारे संगी साथी हमारी बात माने, लेकिन संगी साथी बात नहीं मानते, दुखी रह जाओ, क्या करोगे। आज की शिकायत नहीं, आज ही की का जमाना नहीं है, आज कितने बुजुर्ग शिकायत करते हैं कि क्या करें साहब, जमाना बहुत खराब आ गया है, ये बेटे बहुत बात नहीं मानते, बड़ा कलयुगी जमाना है। मैं कहता हूं ऐसे बात नहीं है, केवल आज की शिकायत नहीं है, सब समय ऐसा रहा है। यदि आप लोगों ने महाभारत पढ़ा होगा, ये सबल सिंह चौहान वाला महाभारत नहीं कहता हूं मैं, संस्कृत महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक है वो पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा, और न पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। महाभारत में ही ये बात आती है, महाराज श्री कृष्ण जाते हैं देवर्षि नारद के पास और वहां जाकर अपना दुखड़ा नारद को सुनाते हैं। ना कहते हैं देवर्षि नारद, लोग तो ये समझते हैं कि कृष्ण ऐश्वर्यों के उपभोगता हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा दिल कितना रो रहा है, मेरे परिवार में एक से एक योग्य लोग हैं लेकिन वे आपस में इतना झगड़ा करते हैं कि मेरा नाको दम हो गया संभालते संभालते। मैं एक को संभालता हूं तो जिसको कहता हूं वही रुष्ट हो जाता है। शांति महाभारत के शांति पर्व में एक कथा आती है, महाराज श्री कृष्ण अपने गृह कला से अत्यंत दुखी हो गए, अत्यंत उब गए, संभाल नहीं पाए। कहा तो महाराज कृष्ण ने
अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया था। महाभारत युद्ध की शुरुआत में अर्जुन को कहते हैं कि मोह हो गया था, वो लड़ाई नहीं लड़ रहा था, तब महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया और गीता का ज्ञान सुनाकर महाराज कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर कर दिया। तो कहां गीता का ज्ञान, अद्भुत। हमारे जीवन कल्याण के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो सब गीता में भरी पड़ी है, छांट करके हम लेना चाहें उसमें से और उसके जो सार बातों को ले ले तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अद्भुत पुस्तक है गीता। तो गीता का ज्ञान महाराज कृष्ण ने अर्जुन को दिया और हुआ क्या, महाभारत युद्ध के 36 साल बाद महाराज कृष्ण के परिवार में भयंकर कलह शुरू हो गया। और कलह शुरू नहीं हुआ, महाराज कृष्ण के लड़के और उनके नाती पोते भयंकर शराबी निकल गए, इतने शराबी की हद महाराज कृष्ण संभाल नहीं पाए। और उन्होंने राजा के द्वारा ये आज्ञा निकलवाई कि आज के बाद जो व्यक्ति शराब बनाते हुए और शराब बेचते हुए पकड़ा जाएगा उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसको देश से निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। इतनी कड़ी आज्ञा निकलवा गई, लेकिन न शराब बनाना रुका और न शराब पीना रुका। और हुआ क्या, महाराज कृष्ण के सामने उनके ही बच्चे आपस में दूसरे को काट काट करके सब के सब मर गए। इतनी लड़ाई कि दूसरे को काट डाले सब। जो लोग कहते हैं कि क्या करें साहब, जमाना बहुत खराब आ गया है, बाल बच्चे बात नहीं मानते, वो लोग याद कर रहे महाराज कृष्ण को। महाराज कृष्ण जैसी ज्ञानी तो आप नहीं है ना, जब महाराज कृष्ण के बच्चे उनकी बात नहीं माने तो आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। कम से कम संतोष तो करो कि उनके बच्चे बात नहीं मान रहे, हमारे बच्चे बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण की विशेषता क्या है, आपके परिवार में किसी की मौत हो जाए तो आप कितने दुखी होंगे, किसी जवान की एक मृत्यु हो जाए तो लोगों का खाना पीना बंद हो जाए, सब एकदम भयंकर विलाप करते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, कई कई दिन तक खाते पीते नहीं हैं। लेकिन महाराज कृष्ण की विशेषता, उनके सामने उनके परिवार के सारे लोग कट करके मर गए, केवल स्त्रियां बची, बूढ़े बचे और छोटे बच्चे बचे, एक और सबकी लाश पड़ी हुई है और एक और महाराज कृष्ण जाकर के ध्यान में बैठ जाते हैं। कितना मनोबल ऊंचा रहा होगा उनका, जरा सोचो तो, जिसके परिवार में सबके सब कट करके मरे हों, लात ऐसे पड़ी हुई है और वह व्यक्ति जाकर के ध्यान लगाता है, ये कृष्ण की विशेषता है। हमें अपने मन को ऐसे ही बनाना है, अपने जीवन को ऐसे ही बनाना है, तभी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। गीता पढ़ने का अर्थ क्या है, कृष्ण के चरित्र पढ़ने का अर्थ क्या है, कृष्ण की पूजा करने का अर्थ क्या है, जैसा महाराज कृष्ण ने अपने जीवन को बनाया, अपने मन को एकदम साध लिया, ऐसे ही हम लोग अपने मन को साधें, हम लोग अपने जीवन को साधें, अपने जीवन को तपाएं और भयंकर से भयंकर विपत्ति आ जाए, भयंकर से भयंकर हानि हो जाए तो विचलित न हो, किंतु अपने मन को संयत रखें, शांत रखें और उस समय भी शांत होकर के काम करें। ये महाराज कृष्ण के जीवन में शिक्षा मिलती है, शिक्षा तो हमें पदे पदे मिलती है, लेकिन हम शिक्षा लेना चाहें तब ना, हम केवल ज्ञान की बात सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, बीजक पढ़ते हैं, अब न मालूम कौन कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं,
खाली पढ़ते हैं, संतों के प्रवचन सुन लेते हैं, समय समय से संतों को बुलाते हैं और उनका सत्संग करवाते हैं, सत्संग सुन लिए, प्रवचन सुन लिए, लेकिन जो ग्रंथों में पढ़ा ज्ञान की बातें, संतों से जो सुना, प्रवचन में जो सुना, उसका जीवन में आचरण नहीं करते। सुनते हैं और वहीं के वहीं भूल जाते हैं, तो इससे काम नहीं बनेगा। कभी भी आप सत्संग में जाएं, कोई भी बोल रहा हो, छोटा महात्मा बोल रहा हो, बड़ा महात्मा बोल रहा हो, बड़े गुरु बोल रहे हो, तो एकाग्र होकर के, सावधान होकर उनकी बात को सुने। कब किसकी जबान से, कब किसके मुख से ज्ञान की कौन सी बात निकल जाए, वो बात हमें चुभ जाए और हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए पहली बात तो यह, जब भी ज्ञान की बात सुनना हो तो सावधान होकर के सुनो। रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है कि जब महाराज राम सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और सबरी ने जब उनका स्वागत किया, सत्कार किया और सब दोनों बैठे, तब महाराज राम सबरी को नौधा भक्ति का उपदेश करते हैं। लेकिन उसके पहले क्या कहते हैं, नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। ऐ शबरी, मैं तुमसे नवधा भक्ति कहने जा रहा हूं, नवधा भक्ति तुम्हें बताने जा रहा हूं, लेकिन सावधान, तुम सावधान हो जाओ, अपने मन को बाहर से समेट लो। बैठे हैं यहां पर, अब सोच रहे हैं कि लड़का पता नहीं भैंस को पानी पिलाया है कि नहीं पिलाया है, खेत में धान में दवाई छिड़कना था कि नौकर गया कि नहीं गया, तो न यहां का काम आप कर पाओगे और न खेत का काम कर पाओगे। इधर से भी गए और खेत से भी गए, क्योंकि खेत में तो आप पहुंचे नहीं हो, घर में तो आप हो नहीं, तो घर का काम भी नहीं कर पाओगे और खेत का काम भी नहीं कर पाओगे, और यहां जो बैठे हैं यहां का काम भी नहीं कर पाओगे। एक समय एक काम करो, एक समय में केवल एक काम। सत्संग सुन रहे हैं तो सब तरफ अपने मन को सत्संग में ही लगाओ। इतना ही नहीं, आप भोजन करने बैठो तो केवल भोजन करो और कोई काम मत करो। आप केवल भोजन करोगे ना तो आपका भोजन करना भी आपके लिए ध्यान बन जाएगा। केवल भोजन करो तो भोजन करना भी आपके लिए पूजा बन जाएगा। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो बात है, लेकिन होता क्या है, भोजन भी कर रहे हैं और दुनिया भर की बात सोच भी रहे हैं। मुख तो भोजन में चबा रहा है और मन पता नहीं कौन कौन सी बात चबा रहा है। एक काम कहां हो रहा है, एक समय में एक काम। भोजन करो, मन को उसी भोजन में लगाकर रखो और देखोगे यदि सब तरह से मन को समेट लिए और खाली सूखी रोटी आप दबा करके खाओगे तो उस सूखी रोटी में भी बड़ी मिठास लगेगी आपको। और यदि आपके सामने 56 व्यंजन आया हुआ है, अनेक प्रकार की सब्जियां आई हुई, अनेक प्रकार की मिठाई आई हुई है और आप खा रहे हो और मन चिंता में डूबा हुआ है, मन कलह में डूबा हुआ है, मन तनाव में डूबा हुआ है, मन में क्रोध है, तो उस व्यंजन का आनंद आपको नहीं आएगा, उस व्यंजन में स्वाद नहीं लगेगा आपको, क्योंकि मन कहीं और है। और मन एकाग्र है तो सूखी रोटी में बिना नमक की सब्जी में भी स्वाद आएगा। तो सावधान होने का अर्थ क्या है, मन को एक जगह बटोर लेना, मन को एक जगह एकाग्र कर लेना, समेट लेना। तो महाराज सलाम कहते हैं, सबरी मैं तुमसे नौधा भक्ति कहने जा रहा हूं, तुम सावधान हो जाओ। और फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, सुनो मेरे बात, सावधान होकर के मेरी बात को सुनो। तीसरी बात कहते हैं, धर्म मन माही, अपने मन में धारण करो। पहली बात सावधान होना है, दूसरी बात सावधान होकर सुनना है, और तीसरी बात मन में धारण करना है।
बस जीवन का बेड़ा पार। कितने बड़े महात्मा हो, कितने बड़े गुरु हो, आप उनके सामने बैठे हैं और सावधान नहीं है, मन भटक रहा है, तो गुरु जी जो भी बताएंगे ना समझ नहीं पाएंगे। कहां गए थे भैया? सत्संग में गए थे। गुरु जी आए इलाहाबाद से, सत्संग में गए थे। अच्छा क्या बताया गुरु जी ने? अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताए। बढ़िया बात तो बताते करिए, घटिया बात थोड़ा बताएंगे। लेकिन बताए क्या? अरे न मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया बात, बढ़िया बात में लेकिन क्या बताया पल पल पता ही नहीं, क्योंकि सावधान होकर सुना नहीं, मन तो भटक रहा है। इसलिए सावधान होकर के सुनो और सुन करके मन में धारण करो। ये बताओ आप भोजन करते हो? हर आदमी भोजन करता है, बिना भोजन किए तो जीवन चलेगा नहीं। भोजन आप किए और भोजन करके आप उठे, और जैसे आप उठे वैसे खाया हुआ भोजन या तो मुंह के रास्ते से बाहर निकल गया या गुदा द्वार से बाहर निकल गया, आप स्वस्थ रहोगे? यदि भोजन किया और बाहर निकल गया, ये बीमारी का लक्षण है। शरीर के स्वास्थ्य का लक्षण क्या है? भोजन किया, भोजन पच गया, अब पच करके जो उसका निस्सार भाग है वो मल के रूप में बाहर निकलता है, तब ये स्वस्थ शरीर की का लक्षण है। और जैसे खाए, चाहे गुदा द्वार से वो बाहर निकल गया चाहे मुंह से बाहर निकल गया, ये बीमार शरीर का लक्षण है। जो सुना हमने एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, तो हमारे बीमार मन का लक्षण है। हम सबका मन बीमार पड़ा हुआ है, हम लोगों ने अपने मन को बीमार बना लिया है। मन सुनता है और सुन करके वहीं का वहीं निकाल करके बाहर कर देता है। इसीलिए तो दुखी हैं हम जीवन पर्यंत। क्यों दुख है आदमी? अपने मन के कारण। मन को संभाल करके रखता नहीं है, मन को हिफाजत से रखता नहीं है, इसलिए दुखी है आदमी। तो मन में धारण करें, और धारण कर जब हो जाएगा मन में, तो जीवन अपने आप ऐसा बनेगा। तो मेरा प्रश्न यही था, शुरुआत मैंने अपनी बात की थी कि हम सुखी होकर जीवन जीना चाहते हैं या दुखी होकर के जीवन जीना चाहते हैं? हम लोगों में से कोई भी साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी दुख नहीं चाहता। हम सब के सब सुखी ही चाहते हैं, लेकिन सुख का रास्ता क्या है? हम सुख खोजते हैं बाहर, और जितना सुख बाहर खोजते हैं उतना हमारा दुख बढ़ता चला जाता है। जितना अपने आप को दुनिया से जोड़ेंगे, प्राणी से, पदार्थ से, रुपया पैसा से, मठ से, महंती से, गुरुवाई से, चेला चाटी से या और कहीं से, उतना हमारा दुख बढ़ता चला जाएगा। शरीर मिला है, शरीर से सेवा करें और साधना करें। मन मिला है, मन से अच्छी बात सोचें। परिवार के लोग हैं तो उनके लिए सेवा करें, प्रेम का व्यवहार करें, उनके साथ मीठी वाणी में बात करें, और जो परिस्थिति हो अपने मन को परिस्थिति से ऊपर उठा करके रखें। अपने आप को परिस्थितियों का, पदार्थों का गुलाम बना करके मत रखें। ये कभी नहीं होना चाहिए मन में कि अमुक के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। कहीं ये कहना कि अमुक न मिले तो उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, ये अपने जीवन को हार जाना है। हम गुलाम बन गए, अपने को गुलाम मत बनाओ, बादशाह बनकर के जियो। हर आदमी बादशाह बन सकता है, अमुक के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसका मतलब है इतनी प्रगाढ़ आसक्ति है, इतनी घोर अविद्या है और प्रबल आदत हमारी है कि हमने अपने आप को उससे बांध लिया है। हम गुलाम बन गए, चीज बड़ी हो गई, प्राणी बड़े हो गए और हम छोटे हो गए। गुलाम बनकर जीने वाले आदमी को कभी सुख नहीं मिलेगा। सुख तो बादशाह को मिलता है। गुलाम का काम है सेवा करना, और बादशाह का काम है सेवा पाना। आप गुलाम बनकर के न जिए, बादशाह बनकर के जिए। उदाहरण महात्मा लोग दिया करते हैं
अब आप लोग भी जानते होंगे, ताश के पत्ते आप लोगों ने देखा होगा, 52 पत्ते होते हैं, उनमें तीन में मनुष्य की आकृति होती है, एक को बादशाह कहा जाता है, एक को बेगम और एक को गुलाम। जो बेगम से हार जाता है वह गुलाम है, और जो बेगम से जीत जाता है वह बादशाह है। अब आपकी मर्जी है कि आप गुलाम बनना चाहते हो कि बादशाह बनना चाहते हो। बेगम क्या है? बेगम है हमारे मन की गंदी आदत, हमारे मन की आसक्ति, हमारी इंद्रियां, ये बेगम है। इनसे हम हार गए, अपने को आदतों से बांध लिए, प्राणी पदार्थों से बांध लिए, तो हम गुलाम बन गए, और इंद्रियों पर संयम कर लिए, सारी गंदी आदतों का त्याग कर दिए, सारी आसक्तियों का त्याग कर दिए, और कहीं आसक्ति नहीं है, सबसे प्रेम का व्यवहार, सबसे सेवा, और अपने आप पर संयम, अपने आप पर नियंत्रण, तो हम बादशाह बन गए। हर आदमी बादशाह बन सकता है, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी बादशाह बन सकता है। इसलिए आप बादशाह बन करके जिए, अपने को कहीं बांधे मत, जो मिले उपयोग करो, जैसा समय हो, जैसा जैसी आवश्यकता हो, जैसी परिस्थिति हो, वो ढंग से उपयोग करो। चीज घट गई वो ढंग से गुजर बसर करो, चीज बढ़ गई वो ढंग से गुजर बसर करो। गर्मी का दिन है वो ढंग से रहो, बरसात दिन है वो ढंग से रहो, कहीं अपने मन को बांधो मत। मन को बांधना ये गुलाम बन जाना है, और मन को कहीं ना बांधना ये बादशाह बनना है। इसलिए आप मनुष्य हैं, भव के भूषण हैं, दुनिया के सिरमौर प्राणी हैं, और मनुष्य दुखी रहे इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें, अपने मन को अच्छा बनाएं, अपनी वाणी को अच्छा बनाएं, जीवन को अच्छा बनाएं, साधनामय बनाएं, लोगों के साथ सुंदर व्यवहार करें, सेवा करें, प्रेम से व्यवहार करें, और व्यवहार करते हुए भी सबसे ऊपर उठा करके जिए, और मन को निर्मल रखें, फिर जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं होगा, हर समय सुख ही सुख आप जीवन में बना रहेगा। और ऐसा करने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, कोई भी आदमी ऐसा कर सकता है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।